नमस्कार, आप सभी का सिटी न्यूज में स्वागत है। मैं सैयद उमर, आज सिटी न्यूज कल्याण में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनपीजी की ओर से बंधुत्व अभियान का एक मिशन चलाया गया है, जिसके तौर पर कल्याण में एक रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि छोटे से गांव के अंदर एक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जा रहा है। रैली के तौर पर सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पे उपस्थित है। रैली के अंदर पूरे कल्याण के रैली बच्चे स्कूल के बच्चे रैली में उपस्थित है, और यहाँ के जो थानेदार है मैडम है वो भी काफी उनका भी सहयोग है, मतलब साथ में ये भी गिनती नजर आ रही है। आज खल्लार में एक रैली निकाली गई एमपीजी की ओर से, जिसमें पंडित्व अभियान के नाम से एक रैली निकाली गई खल्लार गांव में। यहाँ पे पूरे स्कूल के विद्यार्थी स्टूडेंट भी मौजूद थे रैली के अंदर, और यहाँ के थानेदार मैडम भी उपस्थित थे रैली के अंदर। हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आपका नाम? शुभांगी लक्ष्मण आगाशे। मैडम, आइए, जो रैली निकाली है एमपीजी की ओर से, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब एमपीजे तर्फे म्हणजे शांतता आणि बंधुता न्याय या संबंधी जे वेलफेअर खल्लार तर्फे ही रॅली आज इथे आयोजित, बंधुता रॅली इथे आयोजित करण्यात आली। आणि या रॅलीतर्फे आज समाजामध्ये असा उद्देश सगळ्यांसमोर ठेवण्यात आलेला आहे की एकजुटीने राहा। आपण लहानपणापासूनच पुस्तकात, कॉलेजमध्ये असतानासुद्धा किंवा इतर वेळीसुद्धा वेगवेगळ्या भाषणातून हे ऐकत असतो की एकतेने राहा, परंतु ते फक्त शाळेमध्येच नाही शिकवल्या जाणार, तर ते समाजातसुद्धा कुठेतरी समोर यायला पाहिजे, यासाठी ही रॅली इथे आयोजित करण्यात आली। त्या सर्व हिंदू मुसलमान भाई बंधू, आणि फक्त हिंदू मुसलमानच नाही तर इतर शीख ईसाई या सर्वांना एक संदेश याच्यातून जाण्यासाठी ही रॅली काढलेली आहे की एकतेने राहा, एकतेमध्ये शक्ती आहे। आपण जर एकजूट असू तर आपल्याला कोणीही हरवू शकणार नाही, आपल्यावर कोणी अन्याय करू शकणार नाही। आज पाहतो आपण देशाची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे, एकीकडनं पाकिस्तान, एकीकडनं चीन, अशा कचाट्यामध्ये आपण अडकलेलो आहोत। एकीकडनं बांगलादेश आपल्या देशामध्ये घुसून आपल्यावरच अन्याय करतील की काय, आणि आपली स्वातंत्र्यता धोक्यात येते की काय, अशी परिस्थिती आहे। त्याच्यामुळे आपण एकजूट राहणं, आपण आपले धर्मभेद वगैरे सगळं विसरून, जातीभेद विसरून एकत्र राहणं हे खूप आवश्यक आहे। आणि हा उद्देश सगळ्या जगासमोर दाखवण्यासाठी एक या गावातून एक छोटा संदेश सगळ्यांना जाण्याकरिता ही रॅली आज आयोजित करण्यात आली, आणि हे यशस्वीरित्या पूर्णसुद्धा करण्यात आली आहे। ठरेदार मॅडमने मी बताया की मतलब रैली के अंदर सभी गाव के पूरे हिंदू मुस्लिम सभी लोग उपस्थित थे, उसके बाद में स्कूल के पूरे स्टूडेंट और एमपीजी की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित थी। एमपीजी की टीम के कुछ सदस्य हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करें। आज हमारे साथ में एमपीजी के जिला अध्यक्ष ये भी उपस्थित है, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर अहमदुल्ला खान, जिला उपाध्यक्ष अमरावती व अंजनगांव तालुका अध्यक्ष अंजनगांव सूरजी। सर, आप जो एमपीजी, मतलब एमपीजी का फुल मतलब क्या बताना चाहेंगे एमपीजी के बारे में, किस तरीके से काम करती है ये टीम आपकी? मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर महाराष्ट्र एमपीजे, ये जो है पिछले 12 सालों से पूरे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में जो है गोर गरीब और उत्पीड़ित जनता के हितों के लिए काम करती है, और उनके अनेकों मुद्दों पर जो है तो काम करती है। तो सर, जो आपने जो खल्लार के अंदर रैली निकाली है, तो आपको रैली से क्या संदेश देना चाहते हैं आप सर इसको? एमपीजे ने जो है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जो है तो पूरे राज्य में बंधुता अभियान को चलाया है, तो इसी संबंध में आज जो है शाखा खल्लार शाखा की ओर से जो है तो इसका इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम ही धर्म के, मजहब के, जात के लोग और माननीय थानेदार साहिबा और उनकी पूरी टीम जो है तो सबके सब और गाँव के लोग जो और बाहर पर गाँव के भी लोग यहाँ पर आए हैं, तो उससे ये संदेश ये देना चाहते हैं कि हम जो है भारत देशवासी जो है पहले से भी अमन से, शांति से एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते आए हैं और साथ रहे हैं, और जो है तो अब ये होता है कि जैसे ही हम ये साथ में रहते हैं प्रेम से, मोहब्बत से, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसे अनजाने व्यक्ति और ऐसे राक्षस और जो अपने समाज के अंदर कुछ लोग निकलते, जो हम एक दूसरे को हंसता खेलता और मिलता जुलता देखकर जो है तो वो जलते हैं, और वो एक दूसरे को जो है तो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे हम दोनों समाज एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जो प्रेम और मोहब्बत है वो मोहब्बत जो है तो नफरत में बदल जाती है, तो इसका संदेश ये देना चाहते हैं कि हम जो पहले से भी एकता से रहे हुए हैं, एक देश में रहते, एक देशवासी है और सब धर्म के, और क्योंकि हमारा जो देश है ये एक गुलदस्ता और एक गार्डन की मानी है जिसमें हर किस्म के फूल है,
है, तो हमको सबको साथ में रहना चाहिए जैसे रहते आए हैं और आगे भी ऐसा रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमारे देश के अंदर इस वक्त जो है भुखमरी और बेरोजगारी और जो है तो कितने जो लोग जो है तो भूखे सोते हैं, बेरोजगार हैं, तो इस पर हमको तवज्जो देना चाहिए। हमारे देश की यह समस्या है, ये समस्या नहीं है जो हम किसी के कहने में आके लड़ लेते हैं, बल्कि हमको इस पर ख्याल देना है, एक दूसरे की मदद करना है। हमारे साथ में अंजनगढ़ तालुका के अध्यक्ष भी जुड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम है? शोएब खान। शोएब खान अंजनगढ़ शहर अध्यक्ष। भैया जो मतलब आपके जो एमपीजी मतलब ये काम कर रही है बंदीपुर अभियान पे, मतलब 15 अगस्त से कंटिन्यू आपका काम होते आ रहा है, तो ये मतलब कोई ऐसा आपका इलेक्शन में एमपीजी का ऐसा कुछ है कि इलेक्शन में आना चाहिए या मुस्लिम के लिए स्पेशल एमपीजी के मतलब ऐसा कुछ काम जो कर रहे हैं मुस्लिम के लिए कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ऐसा मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर एमपीजे, ये एक सोशल सामाजिक संगठन है। ये किसी पर्टिकुलर मजहब के लिए, धर्म के लिए, जात के लिए, किसी एरिया के लिए नहीं बनी है। हम लोग जो काम कर रहे हैं 12 सालों से, आज हमारे पास जो टीम है पूरे महाराष्ट्र में 50% हमारे पास अलग अलग धर्म के लोग भी जो काम कर रहे हैं, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। हमने अभी एक कैंपेन चलाए थे बानका मजदूरों की, उसमें अगर आप अंजनगांव तहसील का देखते 5000 मजदूरों का हमने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 60% नॉन मुस्लिम है। अब वो जात और धर्म देखकर, बोली भाषा देखकर हम लोग काम नहीं करते, ये सभी के लिए एक संगठन बनी हुई है। रहा सवाल इलेक्शन में आने का, एमबीजे नॉन पॉलिटिकल संगठन है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, ना आज है ना कभी रहेगा। हम लोग पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, और ना ही कोई पॉलिटिकल हमको सपोर्ट है और ना ही किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ में खल्लार के जो अभी अध्यक्ष उनकी मतलब उसकी रैली जो निकाली गई थी, उनके अंदर में निकाली गई थी, हम उनसे भी बात करें। आपका नाम? मेरा नाम राजीक शाह। ये जो रैली निकाली गई मतलब पूरे स्कूल वाले और अभी पुलिस थानेदार मैडम भी साथ में थी आपकी, इसके बारे में आपका ऐसा क्या ख्याल था, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो जैसा हमको जैसा ये रैली निकाली गई है तो हमको, हम सबको खुशी हुई। मतलब एमपीजी का ये सिर्फ एक मकसद है कि मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मतलब फिलहाल अभी नफरत का फैलाई जा रही है, तो ये एमपीजी का एक बंदुत्व अभियान जो चल रहा है, इसका एक ही मकसद है कि सिर्फ हर धर्म के अंदर एकता होनी चाहिए, ये मकसद के लिए एमपीजी काम कर रही है। और इनका ना ही कोई पॉलिटिकल मतलब आगे कोई फ्यूचर में पॉलिटिक्स का भी काम नहीं, सिर्फ इनका एक टीम एक वर्क कर रही है कि सिर्फ ये एकता बनाए रखे इंडिया के अंदर। मैं सैयद उमर, सिटी न्यूज़, कल्लार।